मोबाइल व ईमेल नोटिफिकेशन के जरिए आयुर्वेदिक उपचार, घरेलू नुस्खे एवं स्वास्थ्य संबंधी नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और YouTube के बेल आइकॉन को प्रेस करें। दोस्तों, इस वीडियो में हमने मधुमेह आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को विस्तार से बताया है और इसमें हमने ये भी बताया है कि मधुमेह रोगी को शुगर को कैसे नियंत्रित करना चाहिए। मधुमेह एक आजीवन रोग है जो पूरे जीवन के लिए रासायनिक संसाधित गोलियां या दवाएं लेने के लिए मजबूर करता है, जिसके स्वास्थ्य पर कई दुष्प्रभाव हो सकते हैं। यही कारण है कि हम डायबिटीज को नियंत्रित करने वाली जड़ी बूटियों आयुर्वेदिक उपचार के बारे में बता रहे हैं, जो कि आपके ग्लूकोज को विनियमित करने और रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करती हैं। मधुमेह के लिए हल्दी। हल्दी शक्तिशाली चिकित्सा शक्तियों के लिए जानी जाती है। यह रक्त में शर्करा के स्तर को कम करती है और मधुमेह के रोगियों की मदद करती है। मधुमेह के लिए जामुन। जामुन या काले बेर में ग्लाइकोसाइड होता है जो रक्त शर्करा के स्तर पर रोक लगाने में मदद करता है। मधुमेह के लिए शक्तिशाली जड़ी बूटी के रूप में कार्य करता है और चीनी को ऊर्जा में परिवर्तित करके मधुमेह के प्रभाव को खत्म करता है। मधुमेह के लिए नीम। नीम के पत्ते औषधीय मूल्य से भरे हुए होते हैं। नीम मधुमेह की हालत में सुधार करता है। यह न केवल शरीर में शर्करा के स्तर को कम करता है बल्कि रक्त के प्रवाह को सामान्य बनाकर हृदय विकार जैसी जटिलताओं को रोकने में भी मदद करता है। मधुमेह के लिए मेथी। मेथी का पानी पीने से शुगर से छुटकारा पाया जा सकता है। मधुमेह के लिए करेला। करेले का जूस स्टेरॉइड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और यह ब्लड शुगर को कम करता है। मधुमेह के लिए गिलोही। जिन लोगों को डायबिटीज की बीमारी है उन्हें गिलोय के रस का नियमित रूप से सेवन करना चाहिए। डायबिटीज के मरीजों के लिए यह वरदान है। इस जड़ी बूटी से डायबिटीज की समस्या नियंत्रित हो जाती है। शुगर को कैसे नियंत्रित करें? फाइबर युक्त आहार लें। खाद्य पदार्थों में फाइबर की भरपूर मात्रा ब्लड शुगर के रोगियों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होती है। फाइबर युक्त आहार ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। अवशोषित फाइबर ब्लड में शुगर की अधिक मात्रा को एब्जॉर्ब कर लेता है और इंसुलिन को नॉर्मल करके ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है। ताजी हरी सब्जियां खाएं। ताजी हरी सब्जियों में आयरन, जिंक, पोटेशियम, कैल्शियम और अन्य कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो मधुमेह रोगियों के लिए फायदेमंद होते हैं। धूम्रपान न करें। धूम्रपान से रक्त नलिकाएं सिकुड़ती हैं और ब्लड में फैट का लेवल बढ़ जाता है। धूम्रपान करने से ब्लड शुगर बढ़ जाता है। शारीरिक गतिविधियों को बढ़ाएं। ब्लड शुगर को नियंत्रित करने के लिए जरूरी है कि शारीरिक गतिविधियों को बढ़ाया जाए। इससे आपका वजन नियंत्रित रहने के साथ ही ब्लड शुगर का लेवल भी कंट्रोल में रहेगा। डायबिटीज मधुमेह आयुर्वेदिक इलाज। डायबगुन कैप्सूल शुगर का और असरदार का आयुर्वेदिक इलाज है जो न केवल मधुमेह के स्तर को नियंत्रित करता है बल्कि साथ ही डायबिटीज को बढ़ने से बचाता है। डायबगुन कैप्सूल की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट आयुर्वेद रिसर्च फाउंडेशन.in पर जाएं। क्या आप भी किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से परेशान हैं? यदि हाँ तो निशुल्क आयुर्वेदिक परामर्श हेतु अथवा अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करने में संकोच न करें। अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए remediesayush@gmail.com पर ईमेल करें या अपना प्रश्न यहाँ कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें। हम हमेशा एक स्वस्थ जीवन प्राप्त करने में आपकी सहायता करने के लिए तत्पर हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़े और हमारी आने वाली नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए YouTube के बेल आइकन को प्रेस करें।